किसानों के समर्थन में सपा कार्यकर्ताओं ने निकाली पदयात्रा। दिल्ली में किसानों के कृषि बिल को लेकर उत्तर प्रदेश के सपा के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दिशा निर्देश पर उत्तर प्रदेश में सपा नेता व कार्यकर्ताओं ने किसान यात्रा को लेकर पुलिस ने किया नजरबंद। वहीं जनपद मिर्जापुर में भी जगह जगह भारी पुलिस बल तैनात रहा। वहीं सपा कार्यकर्ता आवास से जुलूस की शक्ल में लेकर नगर भ्रमण करने के लिए निकले तो जगह जगह तैनात पुलिस बल ने उन्हें रोका और गिरफ्तार किया गया। सैकड़ों सपा कार्यकर्ता एकता जमा होने लगे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी लगाकर जमकर करने लगे। कहीं गए थे तो सपा के कार्यकर्ता पुलिस के मना करने के बावजूद भी सड़क पर बैठ गए। वहीं सपा कार्यकर्ताओं द्वारा पुलिस अधिकारियों की हुई नोकझोंक भी। हाँ अध्यक्ष जी, ये बताइए कि आज आप लोगों की गिरफ्तारी क्यों की गई है? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर हम लोग किसानों के समर्थन में किसानों काले कानून के हटाने के लिए उन्हीं के पक्ष में हम लोग आज प्रदर्शन कर रहे थे, अपना किसान यात्रा निकालने के लिए। और हमारा कार्यक्रम था कि अपने लोहिया ट्रस्ट से निकल करके ऐसे बथुआ से होते हुए ओझला होकर के हम लोग जाते विंध्याचल गमहापुर में हमारा हम लोग का चौपाल लगता किसानों के साथ। सारी व्यवस्था थी, पुलिस वालों हम लोग कुछ नेताओं को तो अपने अपने घरों में सबको कैद कर लिए, कुछ लोग को थाने उठा के लाके बंद कर दिए। हम लोग के प्यास बहुत थी लेकिन हम लोग रातें हट गए थे और फिर अपने लोहिया ट्रस्ट में आकर के हम फिर वहाँ से जुलूस के रूप में हमारे सभी नेता सभी कार्यकर्ता सब साथी लोग वहाँ से चले। आप लोग हम लोग को रोकने कोशिश किए, हम लोग जमीन पर बैठ करके हम लोग धरना अपना देते रहे, अपना प्रदर्शन करते रहे। फिर लोग उठा करके ला के हम लोग पुलिस ले आए। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग किसानों की मांग मानी जाए। किसान इतना पीड़ित है इस समय, आप देख रहे हैं कि धान 10 रुपए किलो में कोई खरीदने को तैयार नहीं है। किसान खाद के लिए परेशान है। जब तक किसान परेशान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। किसानों की बात मानी जाए, हम किसानों के समर्थन हम लोग हैं। ऐसी काले कानून को वापस लिया अध्यक्ष जी, जो इस तरीके से सरकार ने ड्रैकोनियन एक्शन लिया है, मतलब पुलिस का पहरा लगा दिया, आप लोगों को धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रहा है, इसके खिलाफ आप लोगों ने मार्च नहीं किया? नहीं, मैंने बहुत इनके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाया और योगी के खिलाफ नारा लगा के हम लोग उनके नीतियों का विरोध किया सारी बातें, और नहीं मानेंगे। हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा इस तरह से। बंद का समर्थन आपकी भी पार्टी कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही, बिल्कुल तहे दिल से कर रही है और जोर तरीके से कर रहे हैं। तो इस बंद के दौरान क्या आप इस बात को अभी इस बात को लेकर प्रदर्शन करेंगे, जिस तरीके से पुलिस का पहराज बैठाया आप लोगों को? पहराज पुलिस अपना काम करेगी, हमारी पार्टी अपना काम करेगी।